सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हियर टू टॉक विथ यू। नाउ अगेन आई एम हियर टू डिस्कस अबाउट सिनोनिम सीरीज। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जिस तरह से हम लोगों ने पिछली क्लास में बात किया था सिनोनिम के सीरीज को लेकर, फिर उसी को लेकर फिर हम लोग आज आगे बढ़ने वाले हैं। तो पहला हमारे सामने सिनोनिम के रूप में जुड़ गया, तो अटेंशन करना है। क्या बोलता है, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ इंट्रिगिंग। तो इंट्रिगिंग का मतलब क्या होता है, अगर इसकी हिंदी हम निकालने का कोशिश करें तो इंट्रिगिंग का हिंदी क्या होता है। तो अगर हम इसका हिंदी अगर हम लिखना चाहें तो कहना होता है इसका ज़्यादा कि किसी चीज़ के बारे में, किसी की चीज़ के बारे में जानने की उत्सुकता। ठीक है, आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे मोमेंट आते हैं कि आप किसी चीज़ को जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुकता होते हैं, बहुत ज़्यादा उस चीज़ को जानने के लिए बेताब होते हैं। तो उसको अगर हम सिनोनिम में वर्ड हम लाने का काम किए इंट्रिगिंग। तो अब अगर इसी बात को अगर हम दूसरे वर्ड में बोलना चाहें, दूसरे सिनोनिम के रूप में, तो हमारे सामने क्या हो सकता है। तो पहला वर्ड हमारे सामने जुड़ रहा है सीरियस। तो सीरियस अपने आप क्या है, इसका अगर हिंदी में निकाले कुछ तो गंभीर। ठीक है, किसी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। बात करते हैं अगले चीज़ पर, तो हमारे सामने जुड़ रहा है क्यूरियस। क्या जुड़ रहा है, क्यूरियस। तो इसी की बातचीत अगर हम कहना चाहें तो ये भी हमारा सामने मीनिंग निकलता है, किसी चीज़ के बारे में जानने की उत्सुकता। यानी हमारा जो बात हमने इंट्रोग्रेट में सीखा था जिस तरह से, उसी की बातचीत हमारे सामने बी ऑप्शन में क्यूरियस में हमारा मिल गया। यानी अब हमारा अगर राइट आंसर हम लिखना चाहें तो क्या हो सकता है, राइट आंसर हमारा बी। ठीक है, तो ये तो हमारे सामने राइट आंसर मिल चुका है। बढ़ते अगले चीज़ पे, तो हमारे सामने आर्टिफिशियल जुट रहा है ऑप्शन के तौर पर। तो आर्टिफिशियल का हिंदी क्या होता है, इसका किसी चीज़ की बनावटी। ठीक है, आप किसी चीज़ के बनावटी बनाते हैं, यानी उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि नाम देने काम करें, तो आर्टिफिशियल। बात करते हैं स्लो की, तो स्लो का मतलब होता है धीमा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। फिर अब बढ़ते इस चीज़ को समझ लेने के बाद एक नया चीज़ हमारे सामने आपका सिनोनिम रूप में जुड़ रहा है उसको। आइए, अब हमारे सामने बहुत बेहतरीन दूसरा सिनोनिम रूप में जुड़ चुका है आपके लिए, तो पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो क्या बोलता है, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ पेंचेंट। तो यहाँ पे पेंचेंट का मतलब क्या समझ में आता है, अगर इसकी हिंदी में निकालने की कोशिश करें तो आप बोल सकते हैं किसी के प्रति रुझान। ठीक है, आपका पढ़ाई के प्रति भी रुझान होता है, पहला प्राथमिकता प्रायोरिटी तो आप उसी को देना चाहेंगे। मतलब अगर पेंचेंट की अगर हम मीनिंग निकालने की कोशिश करते होता है किसी प्रति के रुझान होना। ठीक है, तो अब इसी की बातचीत को अगर हम दूसरे सैनिक रूप में बोलना चाहें तो हमारे सामने ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारे सामने जुट रहा है आर्ट। तो आर्ट की अगर हिंदी हम लिखने की कोशिश करते होता है इसकी हिंदी कला। ठीक है, फिर बात करते हैं हम इंक्लिनेशन की। तो इंक्लिनेशन का मतलब होता है किसी के प्रति रुझान होना। ठीक है, या आप रुझान भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी हमारा पेंसेंट की बातचीत हमारे बी ऑप्शन में इंक्लिनेशन में मिल चुकी है, यानी इसका हम राइट आंसर देना चाहें तो क्या हो सकता है, राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन में मिल चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगले चीज़ में हम बढ़ते हैं, तो बोलता है सी। तो सीन का मतलब आप साइन का मतलब समझते हैं, चमकना। क्या होता है, चमकना, ये तो आप जानते हैं बचपन से। बात करते हैं डी ऑप्शन में स्ट्रेंथ की। तो स्ट्रेंथ का आप बोल सकते हैं मजबूत या बलपूर्वक। ठीक है, आ रहा होगा समझ में, कोई दिक्कत परेशानी हमारे अभी तक नहीं हुई है। तो इस चीज़ को समझने के बाद एक एक हमारे सामने जुड़ रहा है आपके लिए, तो गौर करना उस चीज़ पे। अब आइए, दो चीज़ को समझने के बाद एक तीसरा हमारा सैनिक रूप में जुड़ गया है आपके लिए, तो पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो बढ़ता है पंक्चिलियस। अब पंक्चिलियस का अगर हिंदी हम निकालने का कोशिश करें तो क्या इसका मीनिंग हो सकता है, आप एक बार सोचें जरा। अगर इसकी हिंदी में निकालने सोचे तो आप इसको लिख सकते हैं सावधान, सावधान होना या रहना। ठीक है जी, सावधान होना या रहना, पंक्चिलियस का मीनिंग हमारा सामने आ गया है। अब इसी की बातचीत, अगर पंक्चिलियस की बातचीत अगर हम दूसरे वर्ड में सिनोनिम रूप में बोलना चाहें तो क्या हो सकता है। तो हमारे सामने चार ऑप्शन दे दिया गया है, तो पहला ऑप्शन पे काम करते हैं। तो बोलता है सीक्रेट। तो सीक्रेट का मतलब समझ में आता है आप, इसका रहस्य। क्या होता है, रहस्य। बात करते हैं अगली चीज़ में हमारा इंटरेस्टिंग। तो इंटरेस्टिंग होता है जब किसी चीज़ को आपको सुनकर वो बातें आपको इंटरेस्टिंग हो जाती है, यानी रोचक लगती है, तो उसको बात करते हैं हम इंटरेस्टिंग की। फिर बात करते हैं अगले से, हमारा सी ऑप्शन में दे दिया केयरफुल। तो केयरफुल का अगर हिंदी हम लिखना चाहें तो इसका हिंदी हो जाता है सावधान होना या रहना। यानी हमारा पंक्चिलियस की बातें हमारा सी ऑप्शन में मिल चुका है केयरफुल के रूप में। यानी इसका राइट आंसर हम देने की कोशिश करें तो क्या हो सकता है, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर मिल चुका है।
ठीक है। एक अंतिम हमारे सामने बढ़ गया है डिप्लोमेटिक। तो डिप्लोमेटिक में होता है कि कोई जगह आप जब खड़ा है तो वहाँ पे कुछ बातें आपको सोच समझ के बोलना, ये नहीं कि आप अपने मन से कुछ भी बोल दें क्योंकि वहाँ पे विवाद पैदा हो सकता है। उसी बातचीत को हम लोग सही रूप में ढंग से बोलने के लिए डिप्लोमेटिक बोल सकते हैं। एंड इसी को क्या बोल सकते हैं आप लोग, सही तरीके से बोल चाल बोल सकते हैं हम लोग, सही तरीके से बोल चाल। ठीक है, अगली चीज़ में हम बढ़ते हैं चीज़ को, तो देखना है। चलिए देखना, अब हमारे सामने एक और चीज़ हमारे सामने सिनोनिम रूप में जुड़ गया है, तो पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो बोलता है सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ प्रोलिफिक। अगर हम प्रोलिफिक की हिंदी निकालने का कोशिश करें तो क्या इसका हिंदी हो सकता है, किसी चीज़ की जहाँ पर ज़्यादा उत्पादन हो, क्या होता है किसी चीज़ की उत्पादन। या बहुत उत्पादन वहाँ उस चीज़ की हो रहा हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोलिफिक, ठीक है। अब हमारे सामने इसी बात को दूसरे वर्ड में अगर हम सिनोनिम में बोलना चाहें तो हमारे सामने चार ऑप्शन दे दिया जाता है। आइए हमारे सामने चौथा सिनोनिम रूप में जुड़ गया है, तो बोलते हैं कि सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ प्रोलिफिक। अब प्रोलिफिक अगर हिंदी में निकालने का कोशिश करें तो क्या हो सकता है, आप एक बार सोचिए जरा, जाना पहचाना वर्ड है, अगर इसकी हिंदी होती है किसी चीज की उत्पादन होना, बहुत मात्रा में, या इसको बोल सकते हैं बहुत मात्रा में उत्पादन, ठीक है। तो देखिए अब हमारे सामने प्रोलिफिक की बात हो रही है तो हमने उसका हिंदी लिखने की कोशिश किया, किसी चीज़ की उत्पादन होना या बहुत मात्रा में उत्पादन। अब इसी बात को अगर हम दूसरे वर्ड में अगर हम बोलना चाहें अगर सिनोनिम रूप में, तो हमारे सामने चार ऑप्शन दे दिया जाता है। तो पहला ऑप्शन हमारे सामने पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो बोलता है प्रोडक्टिव। तो प्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है, आप समझ रहे हैं, पढ़ने से ही समझ में आ जाता है, प्रोडक्ट किसी चीज़ का उत्पाद होना, यानी इसकी बात अगर हम लिखना चाहें तो आप बोल सकते हैं इसको यानी हमारा अगर प्रोलिफिक की बातचीत हमारा ए ऑप्शन में मिल चुका है, इसका राइट आंसर हम देने का कोशिश करें तो क्या हो सकता है, प्रोडक्टिव, यानी राइट आंसर हमारा क्या हुआ, ए ऑप्शन आ रहा होगा समझ में आपको। बढ़ते अगले चीज़ पे, तो ग्रोथ का मतलब होता है किसी चीज़ का विकास हो या बढ़ना, यानी ग्रोथ का मतलब बढ़ना बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। बात करते हैं डिनाई की, तो आप किसी बात को लेकर जब इनकार कर देते हैं तो उसी की मीनिंग यहाँ पे लिख देने का होता है, इनकार करना। फिर बात करते हैं फास्ट की, तो फास्ट का मतलब समझ में आता है तेज़, मतलब किसी भी चीज़ को लेकर आप गाड़ी चलाते हैं बहुत ज़्यादा फास्ट, यानी उस कंडीशन में आप बोल सकते हैं फास्ट, यानी इसका तेज़। तो हमारे सामने प्रोलिफिक की बात अगर आपसे पूछ दिया जाए दूसरे श्रेणी के रूप में तो आप उसका राइट आंसर देने का क्या करें, प्रोडक्टिव, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो बढ़ते एक और चीज़ के साथ, तो देख अब देखना हमारे सामने एक जुड़ चुका है पांचवा हमारा सिनोनिम रूप, जो बेहतरीन वर्ड है इसको एग्जाम के नज़रिया से, तो बोलता है सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ इंपैसिव। तो इंपैसिव यहाँ पे कहने में क्या समझ में आता है, बात करना इस बात को है, तो इंपैसिव समझ में आता है कि कोई इंसान या तो बिल्कुल शांत होता है, ठीक है, या जहाँ शोर भी हो रहा है ना बिल्कुल वो शांत होता है, किसी बात को कोई रिप्लाई नहीं देता, शांत अपने आप पे बिल्कुल मौन रहना, उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं उस इंसान को, इंपैसिव बोल देते हैं। एंड यहाँ पे हम लिखना चाहें तो बिल्कुल शांत, क्या बोल सकते हैं, बिल्कुल शांत रहना या होना, ठीक है जी। अब इसी बातचीत को अगर हम सिनोनिम में दूसरे वर्ड में बोलना चाहें तो क्या हो सकता है, तो हमारा पहला वर्ड जुड़ चुका है रेटिसेंट। तो रेटिसेंट का मतलब यहाँ पे समझ में आ जाता है कि इसका भी मतलब वही होता है हमारा, बिल्कुल शांत रहना, क्या होता है, बिल्कुल शांत रहना, बिल्कुल शांत रहना, या आप बोल सकते हैं मौन रहना। तो हमारा राइट आंसर मिल चुका है, इंपेसिंग की दूसरी बातचीत में हम लिखना चाहें तो क्या हो सकता है राइट आंसर हमारा, रेटिसेंट, यानी हमारा अगर इसका राइट आंसर देना चाहें तो क्या हो सकता है, ए ऑप्शन हमारा काम कर चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले चीज़ में, तो वीक, वीक का मतलब होता है कमज़ोर, इसका बात होता है इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना, और हाइड का मतलब होता है किसी चीज़ को आप छिपाते हैं, उस कंडीशन में हाइड का यूज कर लेते हैं तो आप यहाँ बोल सकते हैं छिपाना। यानी इंपेसिंग की बात से अगर आपसे पूछ दिया जाए अगर किसी ऑप्शन में, तो रेटिसेंट को हम यहाँ पर राइट आंसर मान लेंगे, क्योंकि अगर इंपेसिंग की बातचीत हमारे रेटिसेंट में मिलती जुलती हो जाती है बिल्कुल 100%, तो परेशानी वाली बात नहीं है, हमारा राइट आंसर क्या मिला, रेटिसेंट। तो अभी तक हमारा राइट आंसर मिल चुका है, तो आइए देखते हैं एक और चीज़ के साथ, तो देखना।
तो जिस तरह से अभी हम लोगों ने पाँच यूनिट में आपको बेहतरीन लेवल पे हम आपने सिखाने का काम किया है, ये बिल्कुल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस चीज़ को घर में देखेंगे, फिर अगले क्लास में नए चीज़ों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप इस चीज़ को घर में देखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।